Assalamualaikum, hello everyone, कैसे हैं सब? और लॉकडाउन सबका कैसा चल रहा है? अब लॉकडाउन की वजह से ही तो हमने सोचा क्यों ना जो बाहर की जो डिशेज हम लोग बाहर खाने के जाते हैं उसको घर पे भी ट्राई किया जाए। आज ही हमने फर्स्ट एक छोटी सी ट्राई की है फिंगर चिप्स के ऊपर, तो ये देखिए आप बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मार्केट में प्रोवाइड किए जाते हैं हमने वैसे ही कटिंग इसकी की है। और इसके अंदर ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं डाली, जस्ट हमने बेसन का यूज़ किया इसके अंदर ताकि ये टेस्ट इसका बेहतर हो सके और ये थोड़ा सा हार्डली हो सके। ये कुछ रेडी किए भी हैं हमने जो कि बहुत ज़बरदस्त बने हुए, इसके साथ केचप वगैरह अवेलेबल है, अवेलेबल किया हुआ हमने और ये कुछ फ्राई हो रहा है। मतलब जो चीज़ हमें मार्केट से परचेज़ करनी पड़ती है हम घर पे ही इजीली बेहतरीन डिश बना सकते हैं, तो ये सब फ्रेंड्स के लिए है क्योंकि आप भी ट्राई करके देख लें, आपको कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है ये कि आपको इसके लिए बहुत सारा काम करना पड़े या मेहनत करनी पड़े। सिंपल सा जस्ट बेसन यूज़ करना है और कटिंग सही होनी चाहिए। बाकी ये है कि मेरी तरफ से आप सबके लिए जस्ट ये है कि घर में बैठे और अपने लिए अपनी फैमिली के लिए स्टे करें क्योंकि वायरस की वजह से काफ़ी लोगों को मुश्किल का सामना है और लॉकडाउन की सूरत में सब घर में ही बैठे हुए हैं। छोटी छोटी डिशेज जो भी हैं अपने हिसाब से हम आपको शेयर करते रहेंगे, ट्राई करें आप भी और फिर हमें बताएं कि कैसा रहा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि वीडियोस भी सवाले से शेयर करते रहें सबकी लोगों के साथ। जी व्यूअर्स, ये तैयार हो चुके हैं और अब हम इनको चेक करते हैं कैसे बने हैं। टेस्ट करके आप सबको बताता हूँ कि हमने जो घर पर ये फ्रेंच फ्राइज बनाई कैसे बने। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो आप भी ये जब तक बना सकते हैं अपने घर पे रहें और तैयार करें और इन्जॉय करें। तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।